वी आर स्टार्टिंग विथ BBS बार बेंडिंग शेड्यूल. क्वेश्चन है प्रिपेयर अ बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ अ फुटिंग कॉलम, उसका साइज दिया है. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल. सबसे पहले देख लेते हैं डेटा में क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले बोला है उसने प्रिपेयर बाय फुटिंग ऑफ साइज, फुटिंग का साइज दिया हुआ है, फुटिंग का साइज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फुटिंग दिया है 1.2 मीटर. फिर उसने ब्रेथ ऑफ फुटिंग दिया हुआ है, बी कितना दिया है 1.5 मीटर. ये फुटिंग का डायमेंशन है, आप लिख देना. फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, इज प्रोवाइडेड विद अ टॉर स्टील ऑफ 12 mm डाया. उसके बाद कितने का डाया है, 12 mm का डाया है. कितने का स्पेसिंग है, 175 mm का स्पेसिंग है. ठीक है, फिर उसने बोला है बोथ द साइड. फिर उसने ये फुटिंग का साइज हो गया. फिर उसने कॉलम के बारे में बोला है, कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है 230 by 400 mm. और उसके अंदर 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया दिया हुआ है. फिर उसके बाद मेन बार है 스티럽스 के डायमेंशन दिया है, कितने का है, 8 mm डाया का है. एट द रेट कितना बोला है, 230 mm बोला है सेंटर टू सेंटर. यहां जाके न्यूमेरिकल का सब पार्ट हो गया है. क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है अपने को, ध्यान देना. ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, इसको समझना कैसे, पढ़ना कैसे. यहां पे जो ये लगे हुए हैं, यहां पे जो ये लगे हुए इसको बोलते हैं मेन बार. इसको क्या बोलते हैं, मेन बार. ये जो पार्ट है ये है मेन बार, देन वो आपका मेन बार है. तो ये रहता कैसा है, ये ऐसे 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 और फिर इस साइड ऐसे 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 मैच जैसा, समझ में आया. तो ये आपका मेन बार, यहां पे ये पूरा पोर्शन दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं अब. यहां पे इसको बोलते हैं कॉलम का मेन बार, समझ में आया. इसको बोलते हैं स्टीरप्स, समझ में आ रहा है. इसको बोलते हैं स्टीरप्स, समझ में आ रहा है ना. किसका बेटा, कहां पे सेम है, रुक जाओ. स्टीरप्स की बात करते, 8 mm का है एट द रेट ऑफ 230 mm सी बाई सी. एंकर दिया है, एंकरेज मतलब ये ऐसा ऐसे बाहर निकला हुआ है, देन इसको एंकरेज बोलते. कितना एमएम है एंकरेज, 300 mm है, देन फिर उसके बाद हाइट ऑफ कॉलम, यहां से दिया हुआ है हाइट ऑफ कॉलम कितना है, 3.3 मीटर. ये कितना है, 3.3 मीटर. फिर उसने यहां पे हाइट दिया है जो डेप्थ बिलो रहेगा प्लिंथ के नीचे, बराबर यहां से प्लिंथ चालू हो गया रहेगा, ग्राउंड जीएल होगा, इस जगह से जीएल होगा, वो कितना है 1.5 मीटर. अभी देखो ये जो बार है ये कितने का है, 12 mm डाया है. स्पेसिंग कितना है, 175 mm. और ये जो बार है मेन बार कॉलम का, उसका डाया कितना है, उसका डाया नहीं बोला क्या, बोला है 16 mm का है. ठीक है, जैसे वर्टिकल है, जैसे वर्टिकल है कॉलम के अंदर, टॉप व्यू से देखूं मैं, ये दिख रहा है राइटिंग, ये दिख रहा है सबको, ओके. अगर टॉप व्यू से देखूं मैं, करेक्ट, 1 2 3 4 ऐसा दिखेगा, करेक्ट है. तो ये आपको दिया हुआ है.
अब आपको कुछ पूछना है तो बोलो मेरे को, मेरे हिसाब से तो डेटा मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, डेटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सम डिटेल्स, तो यू कैन आस्क मी। पूरा 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 कंटिन्यूस चलेगा ये। नहीं पूरा साथ में लेंगे, इट विल कंसिडर एज अ कॉलम प्लस फुटिंग। ओके हाँ, अगर आप देखे रहोगे कभी साइट पे फुटिंग बना के वो सलिया छोड़ देते, फिर उसी सलिया में हम एलपी करके एलडी करके दैट लैपिंग करके वही कंटिन्यू ले जाते हैं। क्या यहां से हवे से कोई नया सलिया चालू करते क्या? वही कंटिन्यू चलता है ना। क्लियर ना? धन आगे बढ़े। चलो डेटा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना, डन कुछ भी नहीं है। तो ये डायग्राम आप बाद में बना लेना, पेज छोड़ दो, बस आज का डेट लिख दो ताकि व्हाट्सएप पे आप ये देख सको। आज का डेट लिख दो ताकि व्हाट्सएप चैट पे आपको याद रहेगा कि इतने बजे का शेयर था ये। अगर आपने नहीं बनाया रहेगा तो बना दिया रहेगा तो वेल एंड गुड है। बढ़ू आगे? चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। अब बनेगा अपना बीबीएस शेड्यूल, करेक्ट। बीबीएस शेड्यूल चालू करने के पहले लेंथ देख लेते हैं, लेंथ देख लेते हैं नीचे वाले पोर्शन के लिए। ये नीचे वाले पोर्शन के लिए जो ऐसा पोर्शन है ना, इस पोर्शन के लिए बराबर। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पूरा पोर्शन है, इसका मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन डायग्राम बना देता हूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर मी एंड यू टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। कितना बाय कितना दिया है? लग रहा है 1.2 by 1.5 लग रहा है? लग रहा है? चलो इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। डायमेंशंस लिख के लेते हैं। आपने कहाँ बोला? यहाँ पे 1.2 बोला, 1.2 मीटर। और यहाँ पे कितना बोला? 1.5 मीटर। कोई डाउट नहीं आपके माइंड में? इसके अंदर ऐसा 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 मैशिंग दिया हुआ है, इस साइड भी ऐसा है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बना रहा हूँ मैं, वरना ये हो जाएगा। चलो बना ही देता हूँ दूसरे कलर से। क्लियर है? अभी ध्यान देना, अभी आप ध्यान देना, क्या मैं लेंथ इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ? ये पूरा लेंथ लॉन्गर साइड बात कर रहा हूँ, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड, ये ऐसा वाला। कितना लेंथ है दोस्त? 1500। ओके, उसमें से कटिंग होगा। कवर देखो, चेक करो कवर किधर है, कवर चेक करो, कवर नहीं दिया है। तो मुझे बताओ फुटिंग में कवर कितने का रख सकते हैं? 50, करेक्ट। 50 माइनस 50। सर दो बार 50 क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड, यहां पे कम है ना, ये नहीं लगा ना यहां पे, वैसा ही सेम यहां पे नहीं लगा, करेक्ट ना? इतना गैप कम है ना, यहां से वो बेंड कर जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो 50-50 कम, होप सो यू हैव अंडरस्टूड। ये एल कैसे आया? एलसी ले लो, चौदह सौ, इतना क्या सोचना है? ठीक है, यहां तक आपके माइंड में कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है आपके माइंड में? ऐसा ही सेम कैलकुलेशन दूसरी साइड का बताओ। चलो बोलो, एल इज इक्वल्स टू, बारह सौ माइनस 50 माइनस 50, बोलो क्या लिखू? 1100 mm। समझा आपको? कुछ भी पूछना है आपको? नहीं, स्टार्ट करें। अब मुझे अपने मेथड से वो भी जो बार बेंडिंग शेड्यूल टेबल बनता है वो बता देना। अभी क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कटिंग निकाल लेते हैं इधर ही, फिर उसके बाद टेबल में डालेंगे। देन लेंथ ऑफ कटिंग जब निकाल रहे हैं तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं
लेंथ ऑफ कटिंग अलोंग लॉन्गर साइड, डन। जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ये बना देता हूं, और इसके अंदर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, ये पूरा लेंथ लॉन्गर साइड का कितना लेंथ है, 1.5 मीटर, करेक्ट है। तो इसका लेंथ ऑफ कटिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल लेंथ 1500 माइनस कवर, टू टाइम्स ऑफ कवर, करेक्ट है, प्लस टू इंटू नाइन इंटू डाया हुक, करेक्ट है ना, हुक है ये, डन। 1500 माइनस टू इंटू 50 प्लस टू इंटू नाइन इंटू डाया कितने का है, कितने का डाया है, कहाँ देखने मिलेगा डाया, यहां पे देखने मिलेगा, कितने का है, 12 का है, समझा, 12। तो आंसर कितना आया, लेंथ ऑफ कटिंग, लेंथ ऑफ कटिंग कितना आया, 1616, करेक्ट है, देन अभी नंबर ऑफ बार्स लगेंगे इसके, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ अभी शॉर्टर साइड लेते हैं, लेंथ फुटिंग में ये हो जाएगा 1200 शॉर्टर साइड, क्यों शॉर्टर साइड सर, देखो ये कब तक पुट करेंगे, जब तक ये लेंथ खत्म ना हो, तो 1200 बराबर 1200 माइनस टू टाइम्स ऑफ कवर, कवर कितने का है, 50, क्यों 50, इतना कम लगेगा, करेक्ट है, अपॉन स्पेसिंग, स्पेसिंग कितने का है, वहां पे लिखा था, दोनों साइड सेम है, नंबर ऑफ बार्स देख लो कितना आ रहा है, सिक्स पॉइंट, सेवन बार्स, क्यों नहीं तो, अच्छा 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 हाँ 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 अच्छा हाँ ये वो है ना, सॉरी ये वाले फॉर्मूले में करते हैं, तो ये कितना हो गया, 6 पॉइंट, अभी ये 7 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 8 बार्स, इज इट क्लियर। ये पूरा पार्ट अब किसके लिए सॉल्व होगा, अलोंग शॉर्टर साइड, करेक्ट, ये पूरा पार्ट अलोंग शॉर्टर साइड, ये लो, लॉन्गर को हो जाएगा शॉर्टर, और ये क्या बोल रहे हो, ये लो बस खत्म, बाकी सब सेम रहेगा। अब जहां जहां चेंजेस है मैं वो कल अलग पेन से कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यहां पे लिख रहा हूं सेकंड नंबर, यहां पे लिख रहा हूं अलोंग शॉर्टर साइड, यहां पे लिख रहा हूं 1.2, यहां पे लिख रहा हूं 1200, आंसर चेंज हो जाएगा ना, हाँ, और यहां पे लिख रहा हूं मैं 1500, बाकी सब सेम रहेगा, इज इट क्लियर। देखो जल्दी करो, क्या टाइम पास कर रहे हो, मेरा हो भी गया बोर्ड पे, ओके यहां पे लिखू 1316, यहां पे लिखू 9 नंबर्स, एग्जैक्ट आया तो एग्जैक्ट ही रखने का, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट क्या दे सकते एग्जाम में उन लोग,
ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट क्या दे सकते हैं उन लोग एग्जाम में बताओ। क्या दे सकते हैं ट्विस्ट? दोनों का लेंथ चेंज अलग तो है ही, दोनों का ना ये चेंज कर देंगे उन लोग स्पेसिंग, समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट वही करेंगे स्पेसिंग में। इसका इतना स्पेसिंग है, इसका इतना स्पेसिंग है, इसका इतना डाया, इसका इतना लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड लिख के आएगा, अलॉन्ग एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस लिख के आएगा। आपको याद बस ये रखना है कि यहाँ 1500 ले रहे हो करेक्ट, तो यहाँ 1200 रहेगा, वहाँ 1200 ले रहे हो तो यहाँ 1500 रहेगा। देन बीबीएस शेड्यूल बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मेट रेडी हो गया, सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 मेन बार अलोंग लॉन्गर साइड, फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बार होता ही नहीं है, दोनों मेन ही रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मेन बार शॉर्टर साइड डाया 12, डाया 12 नंबर 8 और 9 शेप बराबर, नहीं हो रहा है जाने दो। लेंथ देखो, लेंथ ऑफ कटिंग आया है, लेंथ ऑफ कटिंग आया है 1616 1316। आप बताओगे? हाँ बेटा मीटर में लिखना, मीटर में यहां लिख दो मीटर, बोलो 1.616 सही बोल रहा हो, 1.3 डाया स्क्वायर अपॉन 162 करो बेटा, डाया ये रहा 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162 0. ये पक्का ना मेरा ऐसा ही है शेप, आगे नहीं है, पक्का ना मेरा फॉर्मेट ही है। हाँ ठीक है, और यहां पे भी आ जाएगा 0.889। देन अब क्या करना है, नंबर को लेंथ से और वेट से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट ना बेटा मेरा ही फॉर्मेट है ना? हाँ ठीक है, करो मल्टीप्लाई। वन वन हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट केजी कॉमन ले लूँ क्या? के जी कितना बोला? 22 पॉइंट क्लियर है? कॉपी कर लो फास्ट। ये अपना फुटिंग खत्म हुआ, अब कॉलम बच गया है, अब कॉलम सिखाने जा रहा हूं। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं। डन, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, Have a look over here, please, क्वेश्चन में देखना है, थोड़ा आपका कैलकुलेटर मुझे बहुत हेल्प करेगा। आप सब लोग कैलसी पे आ जाओ, सब लोग कैलसी पे आ जाओ, डन कैलकुलेटर ले लो, समझना है, नहीं समझा तो फिर नहीं कर पाओगे। यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा अपना मेन बार है कॉलम का, फुटिंग से लेके कॉलम तक। कैलसी लेंगे हाथ में, 1500 प्लस 3300 1500 प्लस 3300 4800 आया समझ में? माइनस 12 सर दो बार माइनस क्यों किया सर, समझाओ प्लीज। माइनस देखो एक ऐसा है, एक ऐसा है ना,
ये देखो, ये मेरी एक उंगली, उंगली भी नहीं दिख रही है, हाँ अब दिख रही है, मेरी एक उंगली, ये मेरी दूसरी उंगली। अब मेरे को ये दोनों कम करना पड़ेगा ना, ये डेप्थ प्लस ये डेप्थ, तो ऊपर से काउंट होगा ना, इसके ऊपर ऐसे रखा है ना, आ रहा है समझ में? दो बार माइनस क्यू, एलसी लो, लिखो माइनस बारह करो, समझ में आया? दो बार माइनस बारह क्यू, नहीं समझा बेटा? देख ये दो पेन है, ये दो पेन, ये जो नीचे का दिख रहा है फुटिंग का बार, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, करेक्ट है? और इसके ऊपर तेरा ये कॉलम खड़ा है, लेकिन मुझे हाइट तो यहां से दिया ना बेटा। अब डाउट क्लियर हुआ? एक्चुअली ये डायग्राम में तुझे एक ही साइड से दिख रहा है, क्योंकि ऐसे देख रहा है, दूसरी साइड से नहीं दिखाया इन लोग ने, एक दिखाना चाहता सा लंबी लाइन दिखाया है, ये रहा नीचे वाली लाइन, देख ध्यान से, देख इधर ध्यान देना, ये 12 का है, कितने का है? ये 12 का है, कितने का है? ये कवर कितने का है? 50। देख तेरे को, देख यहां से दिया है, मुझे चाहिए यहां से, हाँ ना बोल, देख इधर 50 माइनस कर, फिर ये लाइन को 12 माइनस कर, फिर ये सर्कल को 12 माइनस कर, समझा? रुक जा, इधर भी थोड़ा गैप है, ये यहां जाके ऐसा घूम जाएगा, बराबर वहां जाके घूम जाएगा, तो अपने को जाके चेक करने का है कि कॉलम का कवर कितने का है, कॉलम का कवर, सॉरी बीम का कवर, बीम का, बीम का कवर दिया है नहीं दिया है, तो यहां पे बीम का कवर चाहिए मेरे को। तो देखो इफेक्टिव कवर होता है 40, 25, 30, ये रेंज में रहता है, तो आप कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करो, बिकॉज नहीं दिया है उसने, बीम कवर वर्ड लिख के आता तो हम वो ले लेते, बट नहीं दिया है उसने, डन। तो 25 ले लेते हैं, डन, तो 25 हम लोग ले लेते, माइनस कर लेते हैं, तो देखो जो इफेक्टिव लेंथ है, करेक्ट, जो इफेक्टिव लेंथ है उसमें देखो क्या क्या आ रहा है, तो कैलसी ले लेंगे हाथ में सब लोग वापस से, 4800, समझा सबको? -50 समझा सबको? -12 समझा सबको? -12 समझा? -30 या 25, 25, चलो 25 माइनस कर रहे, डन। कितना आया? 47, इज इट क्लियर? रुक जाओ, ये इतना एक्सटेंड हुआ और ये यहां पे इतना एक्सटेंड हुआ, करेक्ट बोल रहा हूं, बराबर ना? दोनों साइड एक्सटेंड हुआ, ऊपर वाला एक्सटेंशन दिया हुआ है कहीं पे, देखो जरा कितना बोला है, 300 mm, कहां बोला है? द मेन बार ऑफ कॉलम आर प्रोवाइडेड विद 300 mm एंकरेज ऑन बोथ द साइड्स, मतलब लेंथ ऑफ कटिंग आ जाएगा ये प्लस 300 × 300, समझ ला, लेंथ ऑफ कटिंग हो गया। स्टॉप, रुको, उसके बाद नंबर ऑफ बार्स, ये तो मिल गया अपने को, नंबर ऑफ बार्स कितना दिया क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बार्स कितना दिया है कि ढूंढना पड़ेगा, 4 numbers, क्वेश्चन में लिखा है 4 numbers, समझ में आ गया? 4 numbers अपने को नंबर ऑफ बार्स दिया हुआ है, अंदर 4 numbers अपने को नंबर ऑफ बार्स दिया हुआ है, करेक्ट है? नेक्स्ट, ये हो गया अपना पार्ट फुटिंग का, नेक्स्ट कितने का डाया है, 16। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? कोई भी डाउट नहीं है, डन, ओके। तो ये हो गया, क्या खत्म हो गया कॉलम, क्या बचा है? स्टीरअप्स,
स्टीरअप समझा देता हूं फिर सॉल्व करते हैं साथ में, डन। तो स्टीरअप्स तो कुछ नहीं करना है, कॉलम का डायमेंशन जाके चेक करना है, कॉलम का डायमेंशन कितना बाय कितना है, हाँ स्टीरअप्स हमने सॉल्व किया बीम के लिए, ए बी ए बी, समझ में आया, ट्राई करो फिर करते हैं। चलो स्टार्ट करो कैलकुलेशन, कॉलम कैलकुलेशन चालू कर रहे हैं, फ्रेश पेज ले लेता हूं। पूरा लेंथ कितना है 4800, एम आई राइट, ये 50, ये 12, ये 12, ये 25, डन। गलती से किया, सही है, तो लेंथ ऑफ कटिंग ये कितना है 4701 mm, ये पूरा यहां से यहां तक 4701 प्लस 300 प्लस 300, आंसर कितना है 5301 mm, करेक्ट है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। इसमें स्टीरअप्स ढूंढना पड़ेगा, स्टीरअप्स यहाँ कर लेता हूँ, कॉलम का डायमेंशन मुझे आप लोग की हेल्प लगेगी, मतलब सही बनाया मैंने, करेक्ट ना, 230 400, मुझे वापस आप लोग की हेल्प लगेगी, ये कौन सा बार है, मेन बार है, करेक्ट, डन, कुछ भी नहीं डाउट है ना, अभी यहां पे ऐसा एक्सटेंड हो जाएगा, करेक्ट, नाम देना है, बोलो यहाँ नाम क्या दूँ, पहले 230 लिख देते ना, यहाँ पे 400 mm, यहाँ पे ए ले दूँ ना, इसको क्लियर है, तो लेंथ ये सेकेंड पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, स्टीरअप्स, गलती से डिस्ट्रीब्यूशन बार्ट वर्ड मत लिख देना, स्टीरअप्स बोलते हैं इसको, बराबर, लेंथ ऑफ कटिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, बराबर, करेक्ट ना, प्लस 2 इंटू 12 इंटू डाया, अभी ए और बी ढूंढना पड़ेगा, यहां ढूंढ देता हूं, ए इज इक्वल्स टू 230 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम कवर, कितना दिया, दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, हाँ कॉलम का कवर दिया है, नहीं दिया है, देख लेते हैं, ठीक है
कोई बात नहीं, नहीं दिया है, नहीं दिया है, विश्वास है तुम लोग पे। टू टाइम्स ऑफ कवर, कितना लेंगे कवर? मैंने लिख के दिया है 40, कितना हो गया? ऐसे बी मारेंगे, डाया कितने का है दोस्त? स्टीरअप्स का डाया 8 mm है। कौन बेवकूफ बोल रहा है कुछ अलग? मार्क एलसी, हो गया क्या? नहीं, नंबर ऑफ बार्स बचा है, नंबर ऑफ बार्स यहां हो जाएगा। नंबर ऑफ बार्स करना है, ठीक है, नंबर ऑफ बार्स वहां सिखा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू, ये जो आया ना ये वाला पार्ट 4701 उतना ही रहेगा ना, 4701, ये देखो यहां से यहां तक, करेक्ट ना? इसी में स्टीरअप्स डालेंगे ना, इधर थोड़ी ना डालते बैठेंगे, करेक्ट ना? माइनस टू टाइम्स ऑफ कवर, कवर कितना है कॉलम का? 40। अपॉन स्पेसिंग कितने का चेक करो, स्टीरअप्स का दिया हुआ है, प्लस वन, करेक्ट है? नंबर ऑफ बार्स बता दो कितना आया, 21.09 अप्रोक्सीमेटली, कितना बन गया? 22 बार्स। आपके माइंड में कोई डाउट है? कुछ भी नहीं ना। शुड आई प्रोसीड फर्दर विद बीबीएस पार्ट? यस। ये लिखना पड़ रहा है, ये तो खुद ही आता है। वो मुझे कहती रही, परफेक्ट। वन टू, क्या लिखू इधर? मेन बार, और यहां पे क्या लिखू? स्टीरअप्स। स्पेलिंग राइट है ना? हाँ। डाया कितने का है दोस्त मेन बार का? 16 और 8। नंबर, नंबर, शेप मुझे नहीं पता, आप बताओगे वो लिखूंगा मैं। ट्वेल्ला कॉलम का ना, रहने दो, मैं देख लेता, रहने दो। 4 बार्स ऑफ 16, कहाँ है 12 बेटा?